नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि चपटे और आज हम देखेंगे भाषिक रस। रस को ही शब्द रस या काव्य गुण कहते हैं। रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। रस किसे कहते हैं? कविता, कहानी या उपन्यास को पढ़ने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। रस के अंग। रस के चार अंग या अवयव है। पहला स्थायी भाव, दूसरा विभाव, तीसरा अनुभव और चौथा संचारी भाव या व्यभिचारी भाव। विभाव के दो भेद है, एक आलंबन विभाव और दूसरा उद्दीपन विभाव। एक बात मैं यहाँ पर बता दूँ कि रसों के अंगों के बारे में इससे पहले एक वीडियो बनाया गया है। जब तक आप वह वीडियो नहीं देखेंगे, तब तक आपको रसों के प्रकार यह समझ में नहीं आएंगे। रस के प्रकार। रस के कुल 11 प्रकार है। श्रृंगार रस, हास्य रस, रौद्र रस, करुण रस, वीर रस, अद्भुत रस, वीभत्स रस, भयानक रस, शांत रस, वात्सल्य रस और भक्ति रस। अब हम इस रस के प्रकार और उनके उप प्रकारों की जानकारी देखेंगे। भाषिक रस। यहाँ पर भाषिक रस एक चार्ट के माध्यम से दिए गए हैं। इसमें रस, उस रस का वर्णन, उस रस का स्थायी भाव, विभाव, विभाव में आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव, उसके बाद में अनुभव, संचारी भाव, भावना और उदाहरण दिया गया है। पहला रस है श्रृंगार रस। जिस वाक्य में नायक नायिका के सौंदर्य, प्रेम, मिलने बिछड़ने संबंधी वर्णन किया जाता है उस वाक्य में श्रृंगार रस होता है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति या प्रेम है। श्रृंगार रस का आलंबन विभाव नायक और नायिका है। श्रृंगार रस का उद्दीपन विभाव आलंबन का सौंदर्य, प्रकृति, उपवन, चांदनी, पक्षी कुजन है। श्रृंगार रस का अनुभव अवलोकन, स्पर्श, आलिंगन, अश्रु, रोमांच है। संचारी भाव हर्ष, आशा, स्मृति, रुदन, आवेग, अभिलाषा है। श्रृंगार रस के वाक्यों में प्रेम यह भावना व्यक्त होती है। जैसे कहत नटत रिझत खिझत, मिलत खिलत लजीवान, भरे भवन में करत है नयननु हुई सो सो बातें। श्रृंगार रस के दो प्रकार है। पहला संयोग श्रृंगार रस। संयोग श्रृंगार रस को ही संभोग श्रृंगार रस कहते हैं। जिस वाक्य में नायक नायिका के मिलन, स्पर्श, आलिंगन, वार्तालाप आदि का वर्णन होता है उस वाक्य में संयोग श्रृंगार रस होता है। जैसे भरतस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करे भोनी हसे दयन कहे नटी जाए। यह कवि बिहारी की कविता संयोग श्रृंगार रस का उत्तम उदाहरण है। श्रृंगार रस का दूसरा प्रकार है वियोग श्रृंगार रस। वियोग श्रृंगार रस को ही विप्रलभ श्रृंगार रस कहते हैं। जिस वाक्य में नायक नायिका का मिलन न हो या बिछड़ने का वर्णन हो उस वाक्य में वियोग श्रृंगार रस होता है। जैसे निसी दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहती पावस, ऋतु हम पे जब ते श्याम सिधारे। यह कवि सूरदास की कविता वियोग श्रृंगार रस का उत्तम उदाहरण है। दूसरा रस है हास्य रस। जिस वाक्य में वेशभूषा वाणी आदि की विकृति देखकर मन में प्रसन्नता का भाव उत्पन्न होता है उस वाक्य में हास्य रस होता है। हास्य रस का स्थायी भाव हास है। हास्य रस का आलंबन विभाव
विकृत वेशभूषा, आकार एवं चेष्टाएं है। हास्य रस का उद्दीपन विभाव आलंबन की अनोखी आकृति बातचीत चेष्टाएं है। हास्य रस का अनुभव नेत्रों का मिचमिचाना, अट्टहास आंखों में पानी आना, हंसी ताली पीटना है। संचारी भाव हर्ष आलस उत्सुकता चपलता निद्रा स्नेह आवेग स्मृति है। हास्य रस के वाक्यों में आनंद या सुख की भावना व्यक्त होती है। जैसे मैं ऐसा महावीर हूँ, पापड़ तोड़ सकता हूँ, अगर गुस्सा आ जाए तो कागज को मरोड़ सकता हूँ। हास्य रस के दो प्रकार है। पहला आत्मस्थ हास्य रस, जब कोई स्वयं हंसे तो वह आत्मस्थ हास्य रस होगा। आत्मस्थ हास्य रस केवल हास्य के विषय को देखने से उत्पन्न होता है। आत्मस्थ हास्य रस का एक उदाहरण है जिसमें पत्नी के बीमार पड़ने के चित्र को हल्की हास्यास्पद स्थिति का चित्रण काका हाथरथी ने अपने एक छंद में किया है। पत्नी खटिया पर पड़ी, व्याकुल घर के लोग, व्याकुल के कारण समझ न पाए रोग, समझ न पाए रोग, तब एक वैद्य बुलाया, इसको माता निकली है, उसने यह समझाया। यह काका कविराय सुने, मेरे भाग्य विधाता, हमने समझी थी पत्नी, यह तो निकली माता। यह आत्मस्थ हास्य रस का उदाहरण है। हास्य रस का दूसरा प्रकार है परस्थ हास्य रस, जब कोई दूसरे को हंसाता है तो वह परस्थ हास्य रस है। परस्थ हास्य रस दूसरों को हंसाने से प्रकट होता है। राम लक्ष्मण और परशुराम संवाद रामचरितमानस में दिया गया है। लक्ष्मण द्वारा परशुराम का मजाक बनाना एवं उस पर हंसने का वर्णन है। इस अंश में हमें परस्थ हास्य की अनुभूति होती है। लक्ष्मण परशुराम का मूर्खता को बताते हुए उन पर हंसते हुए कहते हैं, बिहारी लखन बोले मृदुबानी, अहो मुलिसु महाभर यानी, पुनि पुनि मोहि देखात कहारू, चाहत उड़ावन कुंकी पहारू। यह परस्थ हास्य रस का उदाहरण है। तीसरा रस है रौद्र रस। जिस वाक्य में विरोध अपमान या उपकार के कारण प्रतिशोध की भावना क्रोध उपजती है, उस वाक्य में रौद्र रस होता है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है। रौद्र रस का आलंबन विभाव अनुचित बात कहने वाला व्यक्ति, विपक्षी, शत्रु, अपराधी व्यक्ति है। रौद्र रस का उद्दीपन विभाव विपक्षियों के कार्य तथा उक्तियां, कठोर वचन, अपमानजनक वाक्य है। रौद्र रस का अनुभव मुख लाल होना, दांत पीसना, शस्त्र चलाना, भोए चढ़ाना, गर्जन, शत्रुओं को ललकारना है। रौद्र रस का संचारी भाव उग्रता, आवेग, स्मृति, असूया, चपलता, उत्सुकता है। गुस्सा इस भावना में से रौद्र रस की निर्मिति होती है। जैसे उस काल मरे क्रोध के तन कापने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। चौथा रस है करुण रस। जिस वाक्य में विनाश या वियोग, द्रव्यनाश, प्रेमी सदैव बिछड़ने या दूर चले जाने से दुख या वेदना उत्पन्न होती है, उस वाक्य में करुण रस होता है। करुण रस का स्थायी भाव शोक है। करुण रस का आलंबन विभाव प्रियजन का वियोग, पराभव, दरिद्रता, दुखपूर्ण परिस्थितियां है। करुण रस का उद्दीपन विभाव प्रिय व्यक्ति की वस्तुएं, संकटपूर्ण परिस्थितियां है। करुण रस का अनुभव रोना, जमीन पर गिरना, छाती पीटना, आंसू बहाना है। करुण रस का संचारी भाव मोह, ग्लानि, श्रम, दैन्य, चिंता, स्मृति, मरण, घृणा है। करुण रस में से दुख यह भावना जागृत होकर करुण रस की
निर्मिति होती है। जैसे हाय राम कैसे झेले हम अपनी लज्जा अपना शोक, गया हमारे ही हाथों से अपना राष्ट्रपिता परलोक। पांचवा रस है वीर रस। जिस वाक्य में युद्ध अथवा कठिन कार्य को करने के लिए मन में उत्साह की भावना विकसित होती है उस वाक्य में वीर रस होता है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। वीर रस का आलंबन विभाव अत्याचारी शत्रु, तीर्थस्थान, धार्मिक ग्रंथ है। वीर रस का उद्दीपन विभाव शत्रु का पराक्रम, शत्रु का अहंकार, यश की इच्छा, धार्मिक इतिहास है। वीर रस का अनुभव प्रहार करना, रोमांच, धर्मानुकूल आचरण, याचक का आदर करना है। वीर रस का संचारी भाव हर्ष, आलस, उत्सुकता, चपलता, निद्रा, स्नेह, आवेग, स्मृति है। वीर रस के वाक्यों में उत्साह यह भावना होती है। जैसे वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो कि सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं। यह कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी की प्रसिद्ध कविता वीर रस का उदाहरण है। वीर रस के चार प्रकार है। पहला प्रकार युद्ध वीर रस। जिस वाक्य में लड़ने का, शत्रु को मिटाने का उत्साह हो वह वाक्य युद्ध वीर रस का है। धर्म वीर रस। जिस वाक्य में धर्म का उद्धार करने में मन में उत्साह हो उस वाक्य में धर्म वीर रस है। दान वीर रस। जिस वाक्य में याचक और दीनों को दान करने का उत्साह हो उस वाक्य में दान वीर रस है। दया वीर रस। जिस वाक्य में दीनों पर दया करने का उत्साह हो उस वाक्य में दया वीर रस होता है। छठवां रस है अद्भुत रस। जिस वाक्य में व्यक्ति के मन में विचित्र अथवा आश्चर्यजनक वस्तुओं को देखकर विस्मय का भाव उत्पन्न होता है उस वाक्य में अद्भुत रस होता है। अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय है। अद्भुत रस का आलंबन विभाव आश्चर्य उत्पन्न करने वाली वस्तु या व्यक्ति है। अद्भुत रस का उद्दीपन विभाव अलौकिक वस्तुओं का दर्शन, वर्णन, विशेषताएं है। अद्भुत रस का अनुभव रोमांच, आंसू आना, कांपना, आंखें फाड़कर देखना आश्चर्यजनक भाव है। अद्भुत रस का संचारी भाव हर्ष, मोह, आवेग, उत्सुकता, स्मृति, मति है। अद्भुत रस के वर्णन में आश्चर्य यह भावना होती है। जैसे देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को वह बनी अचेतन, हिल न सकी कोमल काया। सातवां रस है विभत्स रस। जिस वाक्य में घृणित वस्तुओं, चीजों या व्यक्ति को देखकर या उनके संबंध में विचार करके मन में घृणा या ग्लानि आती है उस वाक्य में विभत्स रस होता है। विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा है। विभत्स रस का आलंबन विभाव रक्त, मांस, अस्थि, घृणास्पद व्यक्ति या वस्तुएं है। विभत्स रस का उद्दीपन विभाव रक्त, मांस का सड़ना, उसमें कीड़े पड़ना और दुर्गंध आना है। विभत्स रस का अनुभव नाक टेढ़ा करना, थूकना, आंखें मिचाना, मुंह फेरना है। विभत्स रस का संचारी भाव ग्लानि, आवेग, शंका, चिंता, व्याधि, मूर्छा है। विभत्स रस के वाक्यों में घृणा या तिरस्कार की भावना होती है। जैसे आंखें निकाल उड़ जाते, क्षण भर कर आ जाते, शव जीभ खींच कर कौवे, चुबला चबला कर खाते। विभत्स रस के तीन भेद है। पहला शोभज रस। रुधिराद्रि के देखने से मन में शोभ का संचार होता है। दूसरा शुद्ध रस। जुगुप्सा का सामान्य भाव ही इसका उत्पादक है। और तीसरा उद्वेगी रस। विष्टा तथा कृमि के संपर्क द्वारा मन में
यह रस निर्माण होता है। आठवा रस है भयानक रस। जिस वाक्य में किसी भयानक वस्तु या व्यक्ति देखने, वर्णन करने अथवा दुखद घटना का स्मरण करने से मन में व्याकुलता उत्पन्न होती है, उस वाक्य में भयानक रस होता है। भयानक रस का स्थायी भाव भय है। भयानक रस का आलंबन विभाव बाघ, चोर, सर्प, भयंकर चीज का दर्शन, भयानक जंगली जानवर, बलवान शत्रु है। भयानक रस का उद्दीपन विभाव भयंकर स्वर, भयंकर चेष्टाएं, भयावह आकृतियां है। भयानक रस का अनुभव पसीना छूटना, मूर्छा आना, रोमांच, पलायन, कंपन है। भयानक रस का संचारी भाव दैन्य, संभ्रम, चिंता, सम्मोह, त्रास, शंका है। भय या डर, यह भावना में से भयानक इस रस की निर्मिति होती है। जैसे लंका की सेना कपि के गर्जन रव से कांप गई, हनुमान के भीषण दर्शन से विनाश ही भाप गई। भयानक रस के दो प्रकार है। पहला सोनिष्ट रस। सोनिष्ट भयानक वहां होता है जहां भय का आलंबन स्वयं आश्रय में रहता है। दूसरा परनिष्ट रस। परनिष्ट भयानक वहां होता है जहां भय का आलंबन आश्रय स्वयं अपने किए अपराध से ही डरता है। नवा रस है शांत रस। जिस वाक्य में तत्व ज्ञान की प्राप्ति, संसार से वैराग्य होने पर अथवा परमात्मा के वास्तविक रूप का ज्ञान होने पर मन को शांति मिलती है, उस वाक्य में शांत रस होता है। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद या शम है। शांत रस का आलंबन विभाव परमात्मा चिंतन है। शांत रस का उद्दीपन विभाव सत्संग, तीर्थ स्थलों की यात्रा है। शांत रस का अनुभव शरीर में रोमांच, पुलक और अश्रु है। शांत रस का संचारी भाव हर्ष, स्मृति, मति, निर्वेद, चिंता है। शांत रस के वाक्यों में भक्ति यह भावना होती है। जैसे जब मैं था तब हरि नाही, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मीट गया जब दीपक देखा माही। एक बात यहाँ पर याद रखो, मोक्ष और अध्यात्म की भावना से शांत रस की उत्पत्ति होती है। दसवां रस है वात्सल्य रस। जिस वाक्य में पुत्र के प्रति, बच्चों के प्रति, छोटे भाई के प्रति प्रेम भाव को प्रकट करने का वर्णन आता है, उस वाक्य में वात्सल्य रस होता है। वात्सल्य रस का स्थायी भाव स्नेह या वात्सल्यता है। वात्सल्य रस का आलंबन विभाव पुत्र, शिशु है। वात्सल्य रस का उद्दीपन विभाव बालक की चेष्टाएं, हट करना, तुतलाना है। वात्सल्य रस का अनुभव बालक को आलिंगन देना, सिर पर हाथ फेरना, थपथपाना, गोद में लेना है। वात्सल्य रस का संचारी भाव हर्ष, मोह, गर्व, आवेश है। वात्सल्य रस के वाक्यों में स्नेह यह भावना होती है। जैसे मैया मोरी दो ने बहुत खिजायो, मोसो कहत मोल की लीनो, तू जसुमति कब जाओ। ग्यारवा रस है भक्ति रस। जिस वाक्य में ईश्वर के प्रति प्रेम का वर्णन किया जाता है, उस वाक्य में भक्ति रस होता है। भक्ति रस का स्थायी भाव देवरति या भगवत विषयक रति है। भक्ति रस का आलंबन विभाव परमेश्वर, भगवान राम कृष्ण है। भक्ति रस का उद्दीपन विभाव सत्संग, भक्तों का समागम, ईश्वर के कार्य है। भक्ति रस का अनुभव भगवान का नाम लेना, कीर्तन करना, आंखों से आंसू आना, नाचना है। भक्ति रस का संचारी भाव हर्ष, मति, निर्वेद है। भक्ति रस के वाक्यों में भक्ति यह भावना होती है। जैसे ऐसे लागी लगन, मीरा हो गई मगन,
वो तो गली गली हरी गुन गाने लगी। धन्यवाद।